व्हाट्स अप नर्ड्स, मेरा नाम है सुशांत सक्सेना और ये है सो फैंडम टॉक्स। में आज हम रिएक्ट करेंगे गंडाधर गुड्डी के टीजर पर। आई होप यही इसकी क्या कहते हैं राइट प्रोनाउंसिएशन है। पुनीत राजकुमार की ये फिल्म है और क्या कहते हैं, मैंने उनकी अभी तक कोई और फिल्म नहीं देखी है। दिस इज द फर्स्ट टीजर या ट्रेलर उनका जो मैं देखने वाला हूँ उनके काम का। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। क्या कहते हैं, रिसेंट टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे साउथ इंडियन फिल्म्स के ऊपर रिएक्ट करा है, टीजर्स पे, ट्रेलर पे रिएक्ट किया है और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। एंड टू बी ऑनेस्ट, क्या कहते हैं, बॉलीवुड हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन मूवीज, हिंदी मूवीज में। बट मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स टाइम कि साउथ इंडियन मूवीज को टेक ओवर कर लेना चाहिए एज अ फेस ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि जिस तरह के सिनेमाटोग्राफी, जिस तरह का साउंड डायरेक्शन, म्यूजिक डायरेक्शन रहता है, बैकग्राउंड स्कोर और एक्टिंग और परफॉर्मेंस की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, तो ये बहुत आगे निकल चुके हैं बॉलीवुड के लेवल से। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि भाई ये किस बारे में है फिल्म, क्या मतलब, मेरे को नाम का मतलब तो नहीं पता, तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्या कहते हैं कि किस तरीके से क्या कहते हैं ये फिल्म होने वाली है, क्या ये टीजर होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बट एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत हाई है रीसेंट टाइम के साउथ इंडियन फिल्म के ट्रेलर देखने के बाद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, आई थिंक वी शुड हेड टू द ट्रेलर। सो गाइज, ये है मेरे नए हेडफोन्स बोट रॉकर्स। अगर आपको ये पसंद आए सो प्लीज़ क्या कहते हैं, नीचे जो लिंक दिया गया है उसके थ्रू इसको बाय करें, दैट विल ऑल्सो हेल्प द चैनल। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, आई थिंक लेट्स रिएक्ट टू द मूवी। सो गाइज, हियर वी गो। भाई जिस तरीके से इस फिल्म को पिक्चराइज किया है, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं, जिन लोगों ने पहले देखा है हम लोग के रिएक्शन, वो जानते हैं मैं फिल्म मेकर और मेरे को डॉक्यूमेंट्रीज और वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है। आई एम ऑल्सो एन एनिमल लवर। पूरा बचपन मेरा जो वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज है वो देखते हुए बीता है। एंड आई रियली लव कि जिस तरीके से डिस्कवरी चैनल या नेट जियो या इवन बीबीसी अर्थ जिस खूबसूरती से क्या कहते हैं शूट करते हैं वाइल्ड लाइफ को, वो बहुत ज़्यादा अनमैच्ड रहती है। क्योंकि वहाँ पे भाई कोई सेट नहीं है, कोई रिटेक नहीं है, कोई परफेक्ट लाइटिंग नहीं है, तो आप वहाँ नेचर में जाके कैसे कैसे आप इतने बढ़िया शॉट लेके आते हो, वो मेरे को हमेशा से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म, चाहे आप हॉलीवुड देखो या बॉलीवुड देख लो या कोई भी और सिनेमा देख लो, जहाँ पर इतनी खूबसूरती से इसको क्या कहते हैं, जो जैसे वो स्नेक का शॉट है या टाइगर का शॉट है या फिर वो एलिफेंट का शॉट है, जितनी खूबसूरती से इन लोगों ने जंगल और बाकी लोकेशंस को शूट करा है, आई डोंट थिंक कि किसी और ने अभी तक किसी कमर्शियल फिल्म में इतनी खूबसूरती से उन विजुअल्स को दर्शाया। आई डोंट थिंक कि वो सब VFX से दे लुक लाइक क्या कहते हैं प्रॉपर शूट जो बाहर जाके आपने शूट करा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जैसे कि मैंने कहा रिएक्शन से पहले भी कि भाई जो साउथ इंडियन सिनेमा है वो इंडियन सिनेमा को एक अगले स्टेप पे लेके जा रहा है। एंड आई थिंक क्या कहते हैं बॉलीवुड का तो पता नहीं, बट साउथ इंडियन सिनेमा ज़रूर हॉलीवुड को बीट कर देगा इन नियर फ्यूचर। एंड आई एम रियली रूटिंग फॉर इट, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं देखता हूँ इस तरह के टीजर, इस तरह के ट्रेलर्स जहाँ पर ये दिखाया। अभी इसमें कहानी हम लोग को ज़्यादा पता नहीं है, बट जैसा कि हम लोगों ने इसमें टीजर के एंड में देखा सब टाइटल्स में, क्या कहते हैं सेव द क्या कहते हैं एनिमल, सेव वाइल्ड लाइफ, सेव द सेंचुरी। तो आई रियली होप क्या कहते हैं इसी तरह का कुछ इसका वो है, जैसा जंगली आई थी अभी थोड़े दिनों पहले कि भाई वो जाके हंटर्स से लड़ते हैं और उनसे बचाते हैं,
बट दिस इज द मैसेज आगे कहते हैं जो मेरे ख्याल से अगली जनरेशन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोग को अपने नेचर को वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, नहीं तो हर जगह शहर बना दोगे तो वो सारी जो नेचर की खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगी। और इतनी खूबसूरती से जो लैंडस्केप इन लोगों ने दिखाया है, चाहे अंडर वाटर हो, आई होप क्या कहते हैं ये शायद आई रियली होप शायद क्या कि ये पूरी जो फिल्म है इंडिया में ही शूट करी हो। कई बार ऐसा करते हैं बॉलीवुड वाले कि भाई अच्छी अच्छी लोकेशन पे शूट कर लेते हैं आगे। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बैंग बैंग। अगर आपने बैंग बैंग देखी है ऋतिक रोशन की, तो उसमें मेरा होम टाउन दिखाया था देहरादून, बट उन लोगों ने शूट करा यूरोप में या शिमला या बाकी की चीज़ें भी दिखाई। तो मेन कुछ सिटी के मॉन्यूमेंट्स छोड़ के जो वहाँ के सिग्नेचर प्लेसेस हैं, बाकी का जो पूरा रास्ता है वो सब उन लोगों ने बाहर यूरोप में शूट करा और उसको दिखाया कि भाई इंडिया है। ठीक है आप अच्छा दिखाना चाहते हो, बट इंडिया अपने आप में बहुत खूबसूरत है, हिमालयाज एल्प्स से ज़्यादा खूबसूरत है। उसी तरह यहाँ पे और इंडिया इतना डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी कि आपको यहाँ पे डेजर्ट, क्या कहते हैं, पेनिनसुला, प्लेट्यूज, हिल्स, माउंटेन्स, सब कुछ मिल जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा भी हमारे पास है, तो क्यों ना हम अपनी जो खूबसूरती है उसी को अच्छे से शूट करें बजाय प्रमोटिंग कि भाई वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके लैंडस्केप को। तो आई रियली होप इन लोगों ने इसमें इंडिया को ही शूट करा हो और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खूबसूरती से दर्शाया है। मेरे को बहुत मज़ा आया। बस एक चीज़ की जो मेरे को कमी लगी, जो मेरे को लगता है हमेशा इंडिया वाले कभी कभी छोड़ देते हैं, जो एंड का सीन है जब वो बारिश गिर रही है एंड ही इज स्माइलिंग हमारे हीरो, तो वो बारिश पूरी VFX और वो पता लग रही है क्योंकि हमारे हीरो के ऊपर एक दो बूंद है बट वो गीले नहीं हो रहे, नहीं तो बारिश जब उन पर गिरेगी तो वो एक अलग इफेक्ट रहता है कि भाई वो भी तो भीगेंगे, उनकी टोपी पर टकराएगी, उनके शोल्डर्स पर टकराएगी। तो वो एक छोटा सा गिव अवे कर देता है कि भाई ये फेक है। एंड मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा ये लोग करते हैं कि भाई इतनी बड़ी बजट है, एक वहाँ पे बारिश वाला सीन अच्छे से पिक्चराइज कर लेते, वो ज़्यादा इजी पड़ता और ज़्यादा बिलीवेबल लगता बजाय उस VFX के। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विजुअली द टीजर लुक फिनोमिनल और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्या कहते हैं इसका ट्रेलर कब आएगा, क्या पूरी कहानी है, कैसे कैसे हमें पता लगेगा। अभी हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिला है। अब बाकी आप लोग बताओ आपको इसका टीजर कैसा लगा, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द टीजर। और मेरे को तो भाई बहुत मज़ा आया, सो डू लेट मी नो क्या कहते हैं कि आप लोग को ये टीजर कैसा लगा, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि इसके बाद हम और कौन सी फिल्म के ट्रेलर या टीजर पर रिएक्ट करें। एंड गाइस अब तक के लिए यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑफ कोर्स रेगुलर अपडेट्स के लिए घंटा बजाएं।